नाम आपका काम हमारा। सागर सरोज मैरिज गार्डन, शादी पार्टी या अन्य कार्यक्रम हेतु पता धर्मश्री पुल के पास बालाजी मंदिर रोड सागर मध्य प्रदेश। राष्ट्र के सम्मान में एकता के प्रतीक के रूप में 19 जनवरी 2020 को सागर में इतिहास रचने जा रहा है। सागर शहर में रविवार को 17 किलोमीटर लंबी तिरंगा मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, जिसमें 31,000 स्वयंसेवक हाथों में तिरंगा थामे विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। विचार संस्था के तत्वाधान में 75 से भी ज्यादा संस्था और आम नागरिक एक साथ इस कीर्तिमान को रचेंगे। विचार संस्था के संस्थापक कपिल मलैया ने बताया कि महात्मा गांधी और दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर की 150वीं जयंती और 71वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र प्रेम एकता के संकल्प के साथ सागर को स्वच्छ, स्वास्थ्य और प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य से विचार तिरंगा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। ये एक विश्व रिकॉर्ड होगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सागर के जगाने के अभियान का एक और आयोजन 19 जनवरी 2020 को किया जा रहा है। मकसद है राष्ट्रीयता, राष्ट्रभावना, देश प्रेम को बढ़ाना। साथ में जब इकट्ठे हो रहे हैं तो कुछ मकसद और है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अभियान है महात्मा गांधी जी की एवं हमारे सागर के सपूत, सागर की पहचान, जिनके कारण सागर की पहचान है डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब का 150वीं जयंती तो और गणतंत्र दिवस, ये तीनों एक साथ विचार संस्था समस्त सागरवासियों के साथ मिलकर 19 जनवरी को मनाना चाहती है। उन्नीस जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस से एक माह पूर्व, एक हफ्ते पूर्व ये आयोजन गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें 17 किलोमीटर लंबा तिरंगा सागर की जनता पकड़ेगी, जो कि मानव श्रृंखला होगी जो मकरोनिया से लेकर चकराहाट तक रहेगी। इस आयोजन में लगभग 30,000 सागरवासी हिस्सा लेंगे। इसमें 34 स्टेशन रहेंगे, विभिन्न स्टेशनों पे सांस्कृतिक गतिविधियां चलती रहेंगी और एक पूरा देश प्रेम का माहौल उस दिन बनेगा। ये तिरंगा यात्रा सुबह 7:30 बजे चक्राघाट से शुरू होकर यूनिवर्सिटी स्थित गौर समाधि और दूसरा रास्ता मकरोनिया चौराहा से शुरू होकर सिविल लाइन होते हुए गौर समाधि पहुंचकर जुड़ जाएगी। वहीं सचिव आकांक्षा मलैया ने कहा 56,561 मीटर लंबी तिरंगा मानव श्रृंखला में उपरोक्त 34 पॉइंट बनाए गए हैं। हर स्टेशन का कार्य क्षेत्र 500 मीटर होगा। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। तिरंगे का यह स्वरूप गहन मंथन के बाद बना है। भारत की शांति, क्रांति, समृद्धि इससे जुड़ी हुई है। शैक्षणिक संस्थाएं उसमें भाग लेने जा रही हैं। सभी स्कूल्स, सभी कॉलेजेस, बड़े से बड़ा स्कूल जैसे कि कॉन्वेंट, पारस विद्या विहार, वात्सल्य यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज से लेके साथ तीनों केंद्रीय विद्यालय, हर एक स्कूल इसमें आने जा रहे हैं। अपने बच्चों को लेकर टीचर्स सहित आने जा रहे हैं और बड़ी उत्सुकता से मैंने देखा है कि अगर सही ढंग से बात रखी जाए तो देश प्रेम से हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को जोड़ा जा सकता है। तो ये मेरा अनुभव रहा है और हर तरीके से हम लोगों ने हर वर्ग के लोगों को अलग अलग तरीके से जोड़ने की कोशिश करी है। जैसे यूनिवर्सिटी जो यूथ है उनके लिए रॉक कॉन्सर्ट का आयोजन किया जा रहा है उस दिन, और रॉक कॉन्सर्ट होगा लेकिन उसकी उसकी थीम होगी देशभक्ति, उसकी थीम होगी स्वच्छता और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करना, इसका संदेश। तो इस तरीके से 34 मंच हम बनाने जा रहे हैं। हर एक मंच पर कोई ना कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस हो रही होगी जो वहां के लोगों को सबसे ज्यादा लुभाए और उनको उनके तरीके से देश प्रेम से जोड़े। इस तरीके का हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें मैं चाहूंगी कि मीडिया का भी सबसे ज्यादा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, तब जाके कार्यक्रम सफल हो पाएगा। थैंक यू। नाम आपका काम हमारा। सागर सरोज मैरिज गार्डन, शादी पार्टी या अन्य कार्यक्रम हेतु प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, अब आपके बजट के मुताबिक सागर सरोज मैरिज गार्डन, एयर कंडीशनर हॉल व कमरे, हरियाली युक्त विशाल डाइनिंग एरिया, पार्किंग,
आधुनिक साज सज्जा के साथ बनाए अपने सुनहरे पलों को और भी यादगार। सागर सरोज मैरिज गार्डन के साथ, पता धर्मश्री पुल के पास, बालाजी मंदिर रोड, सागर, मध्य प्रदेश।